है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये मुझे लगता है कि देश के नेताओं का कोई काम नहीं है। देश के नेताओं का काम है देश की भलाई करना, रोजगार के साधन पैदा करना, फैक्ट्रियां लगवाना, अच्छे कानून बनाना, लॉ एंड ऑर्डर सुधारना, ये उनका काम है। इस तरह का ऊट जलूल बयान देना देश के नेताओं को शोभा भी नहीं देता। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सबको आज़ादी है हाँ यात्रा निकालने की। अब सरकार में जैसा कहा डबल इंजन की सरकार में है, इस यात्रा से अगर गिरिराज सिंह जी के इस यात्रा से बिहार में फैक्ट्री लगती हो, बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता हो, महंगाई कम होती हो, तो गिरिराज सिंह को इस तरह की यात्रा रोज निकालनी चाहिए 24/7। अब रही कि क्या ये जो मंदिर की जो आप बता रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है, इस पे हम भी जानकारी लेंगे, तो क्या ये गिरिराज सिंह जी के यात्रा निकालने के रिएक्शन में मंदिर तोड़ा गया है या क्या है? तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना, तो प्रशासन इस पे, मुख्यमंत्री जी और उनके लोग उस पे जवाब दे। तो एक बार में ही लोग गिरता है तो सीख ले लेता है ना, दोबारा आए। और संजय झा जी को भी नहीं पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे, ये संजय झा जी को भी पता नहीं चलेगा। वही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो जो आसपास इधर उधर राइट लेफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में आता नहीं। मैं अभी जो घटनाक्रम जो हुआ, आप सिवान और सारण में जो जहरीली शराब से 40 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, उस पे संजय झा जी, डबल इंजन की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उस पे जवाब देना। अब तो किसी से मांगना नहीं है, बिना मांगे बोरा में भर भर के आना चाहिए था। तो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए केंद्र से आ क्या रहा है, संजय झा जी बताएंगे।